ये सामने वाली है? हाँ ये सामने वाली है, यहाँ फिल्म स्टार वगैरह सब लोग आते हैं पराठे। तो यही वाली दुकान है ना वो? और ये रहे अपने दही बल्ले भाई। और देखो भाई कैसे 70 रुपए की प्लेट है भाई, ट्राई करते हैं क्या। फिलहाल ये रही भाई मेन दुकान भाई पराठे वाले के लिए की। तो भाई ये आ गई अपनी थाली भाई, यहाँ पर भाई शाही पनीर है, दाल मखनी। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है फिर से आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई फिलहाल अभी हमने खत्म किया है अपना एक व्लॉग जो कि था भाई चांदनी चौक में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का। उससे पहले हमने खत्म किया था यमुना घाट का व्लॉग। तो सेम डे में भाई हम तीसरा व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास भाई टाइम कम रहता है, तो सोचा कि आज पूरा टाइम एक्सप्लोर करेंगे, पूरे टाइम पे घूमेंगे चांदनी चौक के आसपास। तो फिलहाल अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे थे भाई, यहाँ के फेमस एक शॉप है जिसका नाम है नटराज भल्ले, ऐसे कुछ नाम है, मैंने कई लोगों से सुना भी है इसके बारे में। तो फिलहाल हम बढ़ रहे भाई उस शॉप में, यहाँ पर कुछ चाट पापड़ी दल्ले दही बल्ले वगैरह खाएंगे, उसके बाद देखते हैं भाई और क्या यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब ओवरऑल ये मोस्टली जो हमारा ब्लॉग रहेगा आज फूड ब्लॉग ही रहेगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं खाने खाने के लिए आगे, शुरुआत करेंगे दही बल्ले या चाट पापड़ी से, उसके बाद देखते हैं कहाँ जा सकते हैं आगे। तो भाई ये पहुँच गए भाई हम नटराज के दही बल्ला कॉर्नर में। तो भाई ये देखो भाई 1940 से बन रही है भाई यहाँ पर इनकी चाट पापड़ी, जो भी है इतनी पुरानी दुकान है। तो भाई लेंगे यहाँ से फिलहाल चाट पापड़ी या फिर कुछ भी दही बल्ले और देखते हुए टेस्ट कैसा है। तो भाई यहाँ पर तो हो रही है बहुत सारा भीड़, तो हम ले रहे हैं भाई दही बल्ले की फिलहाल 2 प्लेट। विकास ले रहा है भाई यहाँ पर 70 रुपए की 1 प्लेट है भाई, देखते हैं कैसी होगी भाई। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, देखो ये बन गई अपनी, बन भी गई ला, एक पकड़ा दे मुझे चम्मच ले ले विकास, एक पकड़ा मुझे भाई ये आ गए अपनी। भाई फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे। तो भाई ये लेके आ गया भाई मैं अपनी भाई नटराज के दही बल्ले। तो भाई इसे ट्राई करेंगे कैसा हो रहा है। विकास अंदर ही फंस गया भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इस गली के अंदर। देखो एक ही गली है छोटी सी, उसी के अंदर से लोग आ भी रहे जा भी रहे। अच्छा ये बाहर आ गया, मैं तो फंस गया था विकास गली के अंदर है। वही आ गया बंदा लेके। तो भाई ये रहे अपने दही बल्ले भाई, और देखो भाई कैसे 70 रुपए की प्लेट है भाई, ट्राई करते हैं कैसा हो रहा है भाई। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बट इसमें एक कमी है मेरे को लग रहा है, जो हरी चटनी की, इसमें हरी चटनी नहीं डाली है, बाकी सारी चीज़ें मतलब एक नंबर है। सिर्फ इसमें रेड चटनी सॉल्ट डाली है, जो इमली की चटनी होती है बस वो है, इसमें हरी चटनी नहीं है। तो मुझे बस एक पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है हरी चटनी की, बाकी जो है दही बल्ले बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो भाई हो गए अपने दही बल्ले ख़त्म, अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। फिलहाल भाई हमने खा लिए दही बल्ले और आपको टेस्ट मैंने बता ही दिया भाई कैसा था। बहुत ज़्यादा खास नहीं थे, ओके ओके थे, बट महंगा बहुत ज़्यादा था। इससे अच्छा दही बल्ले मिलते हैं नेहरू प्लेस में, जहाँ पे सिर्फ 50 रुपये की प्लेट है। अब हम बढ़ रहे हैं फिलहाल पराठे वाली गली में भाई, पराठे खाने के लिए, जो कि और मतलब पराठे वाली गली भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलते हैं इसके अंदर और चलते देखते हुए अंदर भाई। यहाँ पर भाई ढूंढना थोड़ा मुश्किल है पराठे वाली में, पराठे वाली गली में वो पराठे की दुकान कौन सी वाली है, क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं भाई। ये देखो भाई, अब पता करना पड़ेगा कौन सी वाली दुकान है वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। पता करते हैं भाई, यहाँ पर देखो तिवारी जी के छोले भटूरे वाले अलग अलग दुकानें हैं भाई यहाँ पर। तो फिलहाल तो ढूंढ रहे हैं भाई दुकान कहाँ पे है वो वाली पराठे वाली दुकान। भाई पता है आपको दुकान कहाँ है? कहाँ पे? ये सामने वाली जो है। हाँ ये सामने वाली है, यहाँ फिल्म स्टार वगैरह सब लोग आते हैं पराठे। सर यही वाली दुकान है ना वो? हाँ। अच्छा भाई देखो ये वाली दुकान है भाई, भैया से पता कर लिया हमने, अब चलते हैं इस दुकान के अंदर। मेन कौन सी है? मेन यही है, ये वाली है ना। हाँ इसी वाले पे जाएंगे फिर, चलो भाई। तो भाई फिलहाल ये रही भाई मेन दुकान भाई पराठे वाली गली की, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमारे को यहाँ पर टाइम नहीं है इतना रुकने का भाई। देखो काफ़ी ज़्यादा वेटिंग चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर रुकेंगे नहीं, यहाँ से सीधा निकलेंगे। अब कुछ और ऑप्शन दिखते हैं यहाँ से बाहर निकल के। तो भाई जैसे कि पराठे वाली दुकान में भाई भीड़ थी, तो हम यहाँ पर आ गए भाई। यहाँ पर देखो भाई शर्मा भोजनालय है, यहाँ पर खाएंगे भाई। तो हमने फिलहाल ये वाली ली है जिसमें चूर चूर नान है, 130 रुपये की है। चूर चूर नान की 2 थाली, मतलब एक थाली ली है जिसमें 130 रुपये की थाली है, इसमें 2 पीस मिलेंगे आपको चूर चूर नान के। और भाई यहाँ हमारी सब्जी लग रही है अंदर। तो भाई ये आ गई अपनी थाली भाई, यहाँ पर भाई शाही पनीर है, दाल मखनी रायता, और ये रहे भाई अपने चूर चूर नान। तो भाई इसे ट्राई करेंगे फिलहाल भाई कैसे हैं, इसके बाद बताते भाई आपको कैसा है। तो भाई ये रहा अपना पहला भाई। तो भाई हमारे को बैठने की जगह नहीं मिली, हम खड़े खड़े खा रहे हैं। आप देख सकते हो अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, इसलिए हम पराठे वाली दुकान के अंदर भी नहीं गए।
तो भाई हो गया अपना खाना भी यहाँ पर खत्म। फिर सीधा ना, फिर सीधा चलो भाई, अब निकल रहे हैं यहाँ से खा पी के। अब भीड़ देखो यहाँ पर कितनी है भाई, वही मेन गली है पराठे वाली, मतलब आने जाने के लिए एक ही छोटी सी गली है, इसी में से बंदे आने जाना कर रहे हैं। और भीड़ देखो भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा है। फिलहाल निकल गए भाई पराठे वाली गली से बाहर, और वैसे तो हम पराठे वाली गली में भाई पराठे खाने गए थे, क्योंकि वो गली भाई पराठे के लिए ही फेमस है। बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भाई हमारे को मतलब अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा था सीटिंग का, तो हमने 5-10 मिनट तो वेट किया, बट कोई सीटिंग मतलब कोई सीट खाली नहीं हो रही, तो हमने भाई सडनली भाई चेंज कर दिया प्लान भाई नान खाने का। फिलहाल भाई नान भी टेस्टी थे, तो फिलहाल निकल गए बाहर, अब चलते थोड़ा सा और आगे। भाई खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए भाई, कुल्फी खाएंगे, इसके बाद भाई निकल जाएंगे यहाँ से सीधा घर के लिए। यहाँ पर भाई एक बैग भी ले लिया हमने, जो कि है 250 रुपये का लिया है हमने भाई ये वाला बैग। ये वाला ऑलरेडी मेरे पास एक पड़ा हुआ है, बट नीरज के जीजा को एक बैग पसंद आ गया था मेरा वाला ऐसा, तो उनकी भी डिमांड थी कि मुझे भी एक ऐसा बैग चाहिए, तो हमने ये वाला बैग ले लिया। दिखाना भी एक बार खोली विकास, देखो ये वाला बैग लिया है, सेम बिल्कुल मेरा 2 कॉपी बैग है, मेरा भी ऐसा ही है, सही है। हाँ अंदर भी चेन है, सब कुछ वैसे ही सही है, बैग चेन भी है, जेब भी है। हाँ चेन वेन सभी सही, चेन सही है ना भैया? हाँ चेन वन चेक सही है। हाँ सही है, अस्तर भी सही है इसका। तो चलिए भाई फिलहाल पेमेंट करते हैं उस बैग की और चलते हैं आगे यहाँ से। अभी हम निकल गए चांदनी चौक मार्केट से बाहर, और आपको बाहर दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर ना बहुत सारी दुकानें लगी है जो मैंने पहली बार देखी है। सामने लाल किला है, और लाल किले के भाई जस्ट सामने की तरफ लगी हुई है बहुत सारी दुकानें यहाँ पर, मतलब ये देखो भाई खिलौने भी हैं यहाँ पर, और ये मतलब छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर शर्ट वगैरह है और ब्लेजर, ये बैग्स देख रहे हो, बैग ना कम से कम 100-100 रुपये के होंगे, और ये 500-600 रुपये की जैकेटें होंगी। तो यहाँ पर ऐसी सारी मार्केट है बहुत सारी, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे विकास। तो गाइस फाइनली वापस से भाई आ चुके हैं पार्किंग में, जहाँ हमने सुबह बाइक खड़ी करी थी। भाई ये रही विकास की बाइक, विकास बाइक निकाल रहा है अपनी। तो भाई जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई आज हमने भाई अर्ली मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू कर दिया था, और आज सबसे पहले हमने ब्लॉग शूट किया था यमुना घाट में, उसके बाद हमने किया था भाई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चांदनी चौक की, और लास्ट हमने भाई जो है नटराज के चाट खाने के लिए गए थे भाई हम। तो अलग अलग तरीके के ब्लॉग भाई एक ही दिन में हमने शूट किए हैं सारे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो आज हमने सारा एक ही दिन में हमें तीनों चीज़ें अलग अलग ब्लॉग में कवर करी है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए तो भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।